नमस्कार, मैं हूं मिधि और हम भगवत गीता को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भगवत गीता समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हिंदू हैं तो भी, अगर आप नहीं हैं तो भी, क्योंकि भगवत गीता किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं बताती है। भगवत गीता जीवन की सच्चाई को आपके सामने लेके आती है। और जिस अध्याय का हम अभी पाठ कर रहे हैं, मैं इसको पाठ ही बोलूंगी क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस अध्याय का अभी हम पाठ कर रहे हैं, जो अध्याय हम अभी सीख रहे हैं, वह जीवन का परम सत्य है। और इसी अध्याय को कहा जाता है सांख्य योग। जो इस ज्ञान को पा लेता है, उसे आगे किसी भी ज्ञान को पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके और मेरे दोनों के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हम कौन सा अध्याय देख रहे थे, तो अध्याय था नंबर 2, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को सारी चीज़ें संसार की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अध्याय 2 का श्लोक नंबर 32 हम देखेंगे। श्लोक कुछ ऐसा है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पर फिर से भगवान ने अर्जुन को ये कह दिया कि क्षत्रिय लोग ही इसे पाते हैं। अब इससे क्षत्रिय है क्या, ये समझना चाहिए। क्षत का मतलब होता है चोट। अगर आपने सुना हो तो महादेव को क्षति कंठ बोलते हैं, मतलब जिनके गले पर चोट लगी हुई है। इसकी कहानी मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी मेरे किसी वीडियो में। तो क्षत मतलब सिंपल सा क्षति, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है चोट। क्षत्रिय, इसका सीधा मतलब निकलता है जो चोट से या चोट लगाने से रक्षा करता है, वह कौन है, क्षत्रिय। अब ऐसा तो क्या है वर्णों में जो क्षत्रियता पे इतना भार दे रहे हैं कृष्ण। देखिए, कृष्ण यादवों में पैदा हुए थे, पर उन्होंने वर्णों को भली भांति जान लिया था। वर्णों को एक सीधा, अगर हम मोटा मोटा लोगों की क्वालिटीज को देखते हैं ना, मोटे मोटे में, अगर आप अपने आप को देखें, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने आप से मिलाती है? ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि जो चीज आपके पास हो तो आपके पास सब कुछ है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पुस्तकें हैं, किताबें हैं, और स्पेशली ये स्पिरिचुअल बुक्स जो हैं, तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे अधिकतर दूसरी चीजों की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, थोड़े पैसों की आवश्यकता रहती है क्योंकि घर लेके बैठे हैं, बच्चे से थोड़ा स्नेह करते हैं इसलिए उसकी पढ़ाई के पीछे ध्यान देते हैं, पति से प्रेम करते हैं और हमारी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हम उनके लिए अपने आप को थोड़ा बहुत अर्पण करते हैं। ये चीजें सेकेंडरी है। सबसे ज्यादा चीज जो मुझे सही में, जो मुझे अपने आप से मिलाती है, भले ही मुझे इस एज में ये चीज समझ में आई है, पर मैं बहुत पहले से इस चीज को जानती हूँ कि अगर किताबें मेरे पास हैं तो मैं उन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगाती हूँ, चीजों को समझने में समय लगता है मुझे, पर जब मैं कोई चीज समझ जाती हूँ फिर भूलना मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, मैं समय लगाती हूँ, मैं थोड़ी स्लो हूँ इन चीज़ों में, पर अगर मेरे पास पुस्तक आ जाती है और मैं उसको जब तक पूरा का पूरा समझ नहीं लेती, मुझे उसको छोड़ने का मन नहीं करता। अर्थात मैं पूरी तरह से अपने आप को ब्राह्मण समझती हूँ। मैं पुस्तकों को एक पलड़े में रखूंगी और दूसरे पलड़े में पैसों को रख लूँ, या किसी सुख को रख लूँ, या आउटिंग को रख लूँ, या किसी भी चीज को रख लूं, तो भी पुस्तकों वाला पलड़ा मेरे लिए भारी हो जाएगा, वह चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है
ज्ञान पिपासु मैं हूँ, इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। अब जन्म से ब्राह्मण हूँ या नहीं वो इतना मैटर नहीं करता। ओके, अब आप अपने आप को देख लो। किसी एक बच्चे ने मुझे सवाल यहाँ पे पूछा है कि कोई विद्यार्थी है तो क्या वो ब्राह्मण हो सकता है, उसका वर्ण क्या होगा? हाँ, मैं अभी इस वीडियो में उनको जवाब दे रही हूँ। आप देखिए, हमारा अंदरूनी एसेंस क्या है। आप विद्यार्थी हैं, आपको विद्या किस चीज के लिए पानी है? विद्या सिर्फ और ज्यादा ज्ञान पाने के लिए पानी है, या विद्या पैसे कमाने के लिए पानी है, या विद्या देश की सेवा के लिए पानी है? किस चीज के लिए पानी है? जब हम अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं तो सीधा सीधा उनका अर्थ ये निकलता है कि वो एक क्षत्रिय थे। क्यों क्षत्रिय थे? क्योंकि उन्होंने देश की सेवा के लिए विद्या अर्जित की। अब आप देखिए, आप क्या हैं? क्या आप सेवा के लिए पाना चाहते हैं विद्या? तो आप एक शूद्र हैं, क्योंकि आपको सेवा में जो रस मिलता है वो किसी चीज में नहीं मिलता। क्या आप लड़ने के लिए माहिर हैं? आप देश के लिए लड़ सकते हैं, तो आप एक क्षत्रिय हैं। क्या आपको पैसा कमाना है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, तो वे एक वैश्य हैं। क्यों? क्योंकि वे जो भी विद्या उन्होंने हासिल की है, कोई इंजीनियर बना है, कोई मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, तो वो एक जो भी चीज वो करते हैं उसमें उनका एक आशय रहता है कि वो खूब पैसे कमा सके। अब पैसे कमा के भी वो खुद की और देश की सेवा करते हैं, पर उसमें उन्हें एक अलग आनंद मिलता है, और यही आनंद जो है वह आपका मेन एसेंस है। अगर आज मैं ये कहती हूँ कि पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना और समझना मेरा मेन आशय है, तो यही रहेगा। अब उससे पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो सेकेंडरी चीज है। मुझे आनंद किस चीज में मिलता है, मैं क्या करके आनंद पा सकती हूँ, बस वही है जो मेरे वर्ण को बताती है। अब हर किसी को अपना वर्ण खुद से जानना होगा कि आपको कौन सी चीज में आनंद मिलता है, और यह आनंद आपको कर्म करने से ही मिलेगा। आगे आएगा, कृष्ण कर्मों को भी समझाएंगे। अब यहाँ पर कृष्ण ने समझाया है कि क्षत्रिय की धन्यता किसमें होती है। उन्होंने कहा स्वर्ग का द्वार खुला है, ऐसा जैसा ये युद्ध हो रहा है, तुम जैसे स्वर्ग का द्वार खुला हो तो उसमें एंटर होगे ही, वैसे ही एक क्षत्रिय अगर युद्ध हो रहा है तो लड़ेगा ही, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा एसेंस क्या है? कृष्ण भली भांति जानते हैं कि अर्जुन अगर यहाँ से भाग भी गया ना, अगर युद्ध नहीं भी किया ना, तो भी कहीं जंगल में जाकर वो फिर से युद्ध की परिचर्या करना शुरू कर देगा। वह फिर से युद्ध करेगा, कहीं पशुओं से लड़ेगा, कहीं पक्षियों से लड़ेगा, वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सिर्फ युद्ध ही करेगा। तो ये क्या है? ये उस अर्जुन का एसेंस है। कृष्ण स्वयं क्या है? कृष्ण पैदा यादव कुल में हुए हैं, पर उनका पूरा जीवन सिर्फ ज्ञान से ओतप्रोत था। तो कृष्ण एक तरह से ब्रह्म के ज्ञाता हैं, और उन्होंने इतना ब्रह्म को जान लिया, इतने बड़े ब्राह्मण हो गए कि वे भगवान में बदल गए। तो ये क्या था? ये हर एक व्यक्ति का अपना प्रस्पेक्टिव है कि उन्हें अपने आप को जानने के लिए वो अपने आप को कितना मथ सकते हैं। महावीर स्वामी जैनों के जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी बात करती हूँ। वे जन्म उन्होंने जो लिया था, उनका जन्म था क्षत्रिय कुल में, पर आगे जाकर वे विद्या से परिपूर्ण हो जाते हैं और ब्राह्मण जैसा जीवन जीते हैं। त्याग उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, अहिंसा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ज्ञान अहिंसा और त्याग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसको उन्होंने कहा केवल ज्ञान। तो ये क्या है? ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग एसेंस है, जिस एसेंस से वह व्यक्ति अपने परम तत्व को पाता है।
और जो परम तत्व उसे मेन सोर्स से जोड़ता है। सिंपल सी बात है ये। आप शांति से बैठिए और देखिए ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको स्वर्ग मिलता है। अब जेन योगा में दिमाग के मेन चार सेंटर बताए हैं, आई, ई, एस और एम। आई का सीधा सीधा अर्थ होता है इंटेलिजेंस, ई मतलब इमोशंस, एस मतलब सेंसुओ वाइटालिटी और एम का अर्थ होता है मोटर। अब एम जो है ना वो आई, ई और एस, इंटेलिजेंस, इमोशंस और सेंसुओ वाइटालिटी को मिलजुल कर एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, इसलिए मोटर को हम ध्यान में नहीं लेंगे। अब आई, ई, एस जो है ना यही त्रिगुण है, तीनों गुणों का जो संगम है वो है आई, ई और एस। इंटेलिजेंस मतलब सत्व गुण, ई मतलब इमोशंस अर्थात रजस गुण और एस मतलब सेंसो वाइटालिटी अर्थात तमस गुण। अब हर किसी में न तो प्योर इंटेलिजेंस होता है, ना ही वो प्योर सत्व गुण से बना है, ना ही वो प्योर रजस से बना है और ना ही तमस से बना है। पूरा का पूरा प्योरिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति में। हर एक व्यक्ति इन्हीं आई, ई, एस का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे? अगर पानी लेते हैं ना तो पानी में होता है हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, जिसे हम कहते हैं H2O और बन जाता है पानी। सिमिलरली हम अगर अल्कोहल लेते हैं ना तो अल्कोहल में कंपोजिशन होता है ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन का एक अणु, मतलब OH बॉन्ड होता है उसमें, मतलब वो बन जाता है अल्कोहल, शराब बन जाती है। पर अणु कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं उस हिसाब से उस पर्टिकुलर मैटर की क्वालिटी बाहर आती है, जिस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं प्रकृति। और कृष्ण इसी प्रकृति की बात अर्जुन से कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म जो है वो निभा, नहीं तो तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति का जन्म मन की शांति के लिए ही है। अब उसकी कैसी प्रकृति है, वह उस प्रकृति से चलकर ही शांति को प्राप्त होता है। अब आज मैं किसी और की प्रकृति से चलूंगी तो बिल्कुल शांत नहीं होने वाली, मुझ में गुस्सा भर जाएगा, एंगर बढ़ जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मेरे इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, मुझे ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा खाना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शरीर के लिए। पर अगर मैं अपने गुणों के हिसाब से बरतती हूँ, अपने स्वभाव के अनुसार मैं क्रिया करती हूँ, तो न तो मुझे ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही अधिक चीजों की। तो यही है क्षत्रिय होने का, यही है अपने आप में होने का अर्थ। और इसी वजह से इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से स्वर्ग का द्वार खुला हो और व्यक्ति उसमें इच्छा से प्रवेश कर जाता है, अर्जुन तू क्षत्रिय है, इस युद्ध में अपनी इच्छा से प्रवेश हो जा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हो सके उतना इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे वे भी प्रॉपर अपना गुणधर्म समझ पाए कि वो कौन है, अपने एसेंस को जान पाए और ये पूरा संसार आनंद से भर जाए। हर व्यक्ति अपने और दूसरे के आनंद के लिए उतना ही काम करे जितना उसके लिए योग्य है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।